सो लास्ट क्लास वी वेर डूइंग न्यूमेरिकल राइट आफ्टर द न्यूमेरिकल व्हाट वी वेर डूइंग न्यूमेरिकल वी हैव डन After that, moment of inertia also we have seen, dynamics also we have seen, this formula we have seen, that's it, वहाँ तक हमने देखा था. And next से theory देख ले या numerical देख ले, चलो पहले theory देख लेते हैं, okay. So now we have to see the main theory. ये समझ में आ गया था, हम lastly डिस्कस किया था इसमें हमें जो फॉर्मूला वो कैसे आए वो समझे थे हमने ओके सो उसके बाद हम देखते हैं से कंजर्वेशन ऑफ अ मोमेंटम ओके इसमें सब फॉर्मूलाज ही है सो न्यूमेरिकल्स अभी हम करेंगे सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमारा लीनियर मोमेंटम था वो कंजर्व्ड रह रहा था मतलब कि सपोज कोलिजन हो रहा है हमने लास्ट चैप्टर में भी न्यूमेरिकल्स देखे थे कि सपोज कोलिजन हो रहा है तो बिफोर द कोलिजन जो टोटल मोमेंटम था दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन ओके सो लीनियर मोमेंटम जो था ओके वो क्या हो रहा था कंजर्व्ड रह रहा था वैसे ही रोटेशनल और से एंगुलर मोमेंटम है वो भी कंजर्व्ड रहेगा ओके वही सिर्फ कंसेप्ट है कि जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता था वैसे ही रोटेशनल मोमेंटम भी क्या रहेगा कंजर्व्ड रहेगा सो रोटेशनल मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है हमारा एंगुलर मोमेंटम मतलब कि एल ओके वो हमने ऑलरेडी देख लिया है सो मोमेंटम इन एंगुलर मोमेंटम इज एल एंड उसका फॉर्मूला है I into omega. जैसे कि हमारा linear momentum का formula है linear momentum is p और उसका formula है m into v. वैसे ही angular momentum is l and m की जगह हमारा I that is moment of inertia और v की जगह हमारा omega. So आ गया हमारा l is equals to I omega. That will be equals to constant. यही है कि मतलब concept पूरा theory में यही हमें समझना है कि ये जो है वो constant रह रहा है. तो उसके लिए एक एग्जांपल भी गिवन है बुक में सो से वी हैव अ स्वाइवल चेयर ओके ये जो हमारी चेयर है उसको हम क्या बोलते हैं स्वाइवल चेयर ओके सो ये सपोज चेयर है हमारे पास नाउ से यही एग्जांपल गिवन है कि ये ऐसे घूम रही है ओके चेयर इज रोटेटिंग लाइक दिस और अब मैं ऐसे हाथ खोल दे रहा हूँ ओके सो ऐसे मैं हाथ खोलू ऐसे अभी तो यहाँ पे मतलब फ्रीली नहीं कर पाएंगे अगर जगह हो तो ऐसे करके करूं सो क्या होगा कि जो एंगुलर मूवमेंट एंगुलर जो स्पीड है हमारी एंगुलर स्पीड ओमेगा ओके क्या लग रहा है तुम्हें जस्ट गिव अ गेस कि जब मैं ऐसे करके घूम रहा हूं ओके तब एक स्पीड होगी और मैं दोनों हाथ ऐसे बंद कर दे रहा हूं ऐसे कर दे रहा हूं अब घूम रहा हूं तो अब ज्यादा स्पीड होगी जस्ट गिव अ गेस कौन सी स्पीड ज्यादा होगी मतलब धक्का सपोज फोर्स तुम सेम मार रहे हो ओके मतलब मुझे सपोज किसी ने धक्का लगाया यहाँ ओके तो एक जब एक बार मैं ऐसे दोनों हाथ ऐसे बंद कर रहा हूँ और फिर वो धक्का लगाया सेम फोर्स ओके और एक बार मैं क्या कर रहा हूँ हाथ ऐसे खुले हुए और फिर ऐसे धक्का लगाया सो गिव अ गेस के कौन से केस में से एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी बंद करके यस करेक्ट तो जब हम हमारे हाथ बंद है एक्सपांडेड नहीं है तब हमारी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी तो कहने का मीनिंग क्या है कि हमारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है p इज इक्वल्स टू m इनटू v तो जैसे हम वहां बोल रहे थे कि अगर जैसे कि हमने बोला कि उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखे थे जैसे बुलेट वाला एग्जांपल तो उसका बुलेट का मास बहुत छोटा है लेकिन मास छोटा है इसीलिए वेलोसिटी क्या है बहुत ही ज्यादा है ओके सो मास इज वेरी लेस बट वेलोसिटी इज वेरी हाई और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज आवर लीनियर मोमेंटम ओके और वैसे ही अगर हम देखें तो से उतना ही फोर्स सपोज कोई हम बिग मास पे लगाए सपोज ट्रक है
ओके, तो ट्रक है पूरा का पूरा ट्रक व्हीकल है, तो उसका जो मास है वो बुलेट की कंपेयर में तो बहुत ज्यादा है ओके, लेकिन उतना ही फोर्स जितना वहां लगाया था उतना ही फोर्स अगर यहां लगाएंगे तो वेलोसिटी ट्रक की कुछ मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर फोर्स उतना ही लगाया है लेकिन अगर मास तुमने इंक्रीज कर दिया तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर मास तुमने रिड्यूस कर दिया जस्ट लाइक बुलेट ओके, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सेम वे हम दूसरा भी एग्जांपल उस टाइम पे भी हमने लिया था क्या, कि एक मोटा आदमी है और एक से एक वेरी फैट, वन इज वेरी फैट एंड वन इज वेरी थिन। सो जो फैट है और जो थिन है, एज्यूमिंग के बोथ आर हैविंग सेम न्यूट्रिशंस फूड, लेकिन फिर भी एक की बॉडी मोटी है, तो अगर हम रेस लगाए तो ज्यादा चांसेस किसके है जीतने के? थिन के। ओके, सो क्यों? क्योंकि वो थिन है, मास कम है, इसलिए स्पीड क्या हो गई? ज्यादा हो गई। ओके, और वो उसका मास ज्यादा है तो स्पीड क्या हो गई? कम। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हम मास और मोमेंटम अगर बात करें, मोमेंटम, तो मोमेंटम में भी दोनों का सेम हो सकता है। ओके, अगर हम बोले कि किसका मोमेंटम ज्यादा है तो हम ऐसा बोल नहीं सकते कि भाई थिन वाले का मोमेंटम ज्यादा है क्योंकि वी ज्यादा है उसका, लेकिन उसका मास कम है। लेकिन उसकी बात करें तो उसका मास ज्यादा है और उसका मोमेंटम, उसकी वेलोसिटी कम है। सो हम ये नहीं बोल सकते कि किसका मोमेंटम ज्यादा है, हम वैसे बोल सकते हैं कि किसकी स्पीड ज्यादा है। सेम ये तो हमें समझ में आया, ये तो जस्ट रिविजन, बट रिविजन क्यों? क्योंकि उसके साथ कंपेयर कर सके हम। तो यहां पर हमारा एंगुलर मोमेंटम है एल एंड दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। सो जब हमारा ओमेगा ज्यादा है, मतलब हम ऐसे करके ऐसे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सो मेरा ओमेगा, ये लड़की देखो ऐसे घूम रही है ओके, सो हमारा अगर ओमेगा ज्यादा है, ओमेगा ज्यादा है तो फिर आई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एल की वैल्यू कॉन्स्टेंट रखनी है मुझे ओके, और अगर आई की वैल्यू ज्यादा है ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके, सो आई की वैल्यू अगर ज्यादा है सो फिर ओमेगा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा ओके। तो ऐसे हम कर देंगे तो आई की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी लेकिन फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यही कंसेप्ट है ओके, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो से राइट डाउन वंस, ये इसमें तुम्हें याद सिर्फ यही रखना है जो फॉर्मूला हमने देखा वो, दैट इज एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा एंड दैट विल बी से कॉन्स्टेंट। सो यू कैन राइट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कौन से केस में वो अभी तुम एज्यूम करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस बिकॉज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस बिकॉज the mass is now distributed, the mass is now distributed close to axis, तो moment of inertia decrease हो गया because the mass is now distributed close to axis, full stop। तो ये कौन सा केस है? Hands expand वाला केस है या hand without expand वाला केस है? Because the mass is distributed, बंद वाला केस है। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला है द मास इज नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज टू एक्सिस, यहाँ पर से ये चेयर है तो जो रोटेशन होने वाली है यहाँ पर एक्सिस ये है, तो अभी मैं ऐसे करूंगा तो मास इज लार्जली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड अराउंड द एक्सिस, मतलब एक्सिस से भी बहुत ज्यादा दूर तक मास फैला हुआ है मेरी बॉडी का। लेकिन अगर मैं ऐसे एक्सिस ही मैं खुद ही एक्सिस बन जाऊं तो एक्सिस तो कितनी फास्ट घूमेगी, तो इसीलिए बोला गया है कि मास इज नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज टू एक्सिस, मतलब कि एक केस ये है लड़की का जब मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अराउंड द एक्सिस, थोड़ा वास्ट एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड आफ्टर दैट जब वो अपने हाथ बंद कर देगी तब उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा अराउंड द एक्सिस। समझ में आया? ओके, देन नेक्स्ट हमें देखना है रोल, रोलिंग मोशन नहीं है क्या? ये तो समरी आ गया, सो वेरी इंपॉर्टेंट थी, और उसके बेस पे न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल भी कट है क्या? लो खत्म, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर ओके, सो नोट डाउन अदरवाइज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इट वॉज ओके। रुको यार छूट ना जाए फिर से, यहाँ 12 न्यूमेरिकल है और ये वाला कौन सा है? कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वाउंड फ्लाईव्हील पे जो हम खींचेंगे वो वाला, तो नहीं ये नहीं है। यस, तो
रोलिंग मोशन जो है ओके वो कैंसल्ड है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन है वो भी कैंसल्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कैंसल हो गया है बट, एंड उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन उसका जो न्यूमेरिकल्स है दैट ऑल्सो डिलीटेड. ओके सो विद दिस अवर से कंसेप्ट वाइज अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड बट यू क्रॉस डाउन ओके डिलीट हो गया है तो डिलीट स्कूल में चला है ये स्कूल में भी पता नहीं होगा मतलब नहीं चला पता तो चला था पर आपने जैसे ये फॉर्मूलास भी डिराइव कर वो सब वो स्कूल में कुछ नहीं पढ़ा. अच्छा वो कल वाला टेबल ओके वो टेबल के बेस पे न्यूमेरिकल भी है इसलिए मैंने करवाया तुम्हें बट अच्छा टेबल डिस्कस किया टेबल डिस्कस नहीं करते मतलब लिखवाते हैं कौन से मैम है ओके चलो सो कंसेप्ट वाइज हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है. ओके सो तुम हमारी बुक तो हम पुरानी यूज कर रहे हैं सो नोट डाउन कर लेना कि दो थियरी इसके बाद जो थियरी है वो भी नहीं है एट द सेम टाइम उसका जो न्यूमेरिकल है दैट इज ऑल्सो नॉट देयर. सो फिर बाकी तो हमारे लिए रहता है तो बहुत जल्दी मुझे लगा कि आज चैप्टर कंप्लीट होगा बट टाइम इश्यू हो सकता है अब टाइम इश्यू आई डोंट थिंक कि होगा हमारा इजीली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो देखते हैं चलो न्यूमेरिकल. हाँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में कांस्टेंट क्या रहेगा हमारा एंगुलर मोमेंटम हाँ एंगुलर मोमेंटम मतलब एल लीनियर मोमेंटम मतलब पी तो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड मतलब कांस्टेंट रहेगा तो वैसे ही एंगुलर मोमेंटम मतलब एल तो एल कांस्टेंट रहेगा तो चेंज क्या होगा या तो आई चेंज हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और चेंज हो जाएगा ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी दोनों में से एक चेंज हो जाएगा लेकिन एक चेंज होगा तो दूसरा वाला इंक्रीज हो जाएगा एक डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा सो दैट एल विल रिमेन कॉन्स्टेंट. यस तो यहां से देखने हैं हमने 9 तक देखे थे 10th से न्यूमेरिकल देखने हैं सो हम देखते हैं ओके सो न्यूमेरिकल नंबर से 6.10 वेरी इजी देखो क्या है ऑब्टेन द इक्वेशन इक्वेशन मतलब हमें ये हमारा इक्वेशन लाना है ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा जीरो प्लस से अल्फा टी जैसे हम बोलते हैं वी जीरो इज इक्वल्स टू वी जीरो प्लस ए टी. ओके एक्चुअली ये भी कहां से आता है एक्सिलरेशन इज नथिंग बट वी माइनस वी जीरो डिवाइडेड बाई टी ये टी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए टी हो जाएगा वी जीरो ये साइड आएगा तो प्लस होगा देयरफॉर वी इज इक्वल्स टू वी जीरो प्लस ए टी यहाँ से ये आया और ये लीनियर के लिए है और ये एंगुलर के लिए है. ओके ये लीनियर के लिए है और ये एंगुलर मोशन के लिए है रोटेशनल मोशन के लिए है तो ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना है तो जैसे हम ये डिराइव करते थे वैसे ही सेम वे में हम डिराइव करेंगे. सो हमें पता ही है क्या कि डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल्स टू अल्फा दैट विल बी कॉन्स्टेंट हमें पता है क्या पता है हमें सपोज अगर हम ओमेगा ले तो ओमेगा के लिए हम क्या लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी. ओके डिस्प्लेसमेंट जैसे लीनियर का याद हो तो तुम्हारा सब याद है जैसे कि यहां पर हम लिखा डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी तो मैंने लिख दिया ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी. देन इफ यू राइट ए इज इक्वल्स टू से डी वी बाई डी टी अगेन वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा तो हम डी ओमेगा बाई डी टी करेंगे तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा दैट इज अल्फा. ओके सो यही यहां पर लिया हुआ है एंगुलर एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एंड देयरफॉर वी कैन टेक डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल्स टू व्हाट अल्फा और अगर डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल्स टू अल्फा है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर दे तो से यहाँ पे डी ओमेगा बन जाएगा अल्फा इंटू डी टी डी टी ऊपर गया तो डी ओमेगा बन जाएगा अल्फा इंटू डी टी. अब हम इंटीग्रेशन करें सो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा
डीटी, ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डीटी हो जाएगा, तो होगा क्या, देखो हमारा फॉर्मूला है ये, सो हमारा जो क्या बोल सकते हैं हम, लिमिट है, तो लिमिट कहां से कहां है, ओमेगा नॉट से लेकर ओमेगा तक, ओके, और दैट्स इट। अब यहां पर हम करेंगे डीटी का डीटी, अब टाइम तो कोई भी हो सकता है, से टी1 टू टी2 0 टू टी, ओके 0 टू टी लो, क्योंकि कौन सा टाइम है हमें पता नहीं, सो हम ले लेते हैं 0 टाइम से लेकर के कहां तक का, टी टाइम तक का। तो अगर डिफरेंशिएशन करें तो डी ओमेगा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा, और उसकी लिमिट हो जाएगी ओमेगा नॉट से लेकर के ओमेगा, और से अल्फा कांस्टेंट रह जाएगा, एंड डीटी का, जैसे डी ओमेगा का ओमेगा हो रहा है वैसे डीटी का क्या होगा, टी, ओके, सो डीटी का हो जाएगा टी, और उसकी लिमिट भी यहां पर आ जाएगी से टी टू 0 टू टी। अब यहां पर वैल्यू रखे तो क्या हो जाएगा, पहले ओमेगा रखेंगे ओमेगा की जगह, तो ओमेगा फिर माइनस, फिर ये वाले लिमिट ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, हाँ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। एंड देन क्या हुआ कि से अल्फा और टी की वैल्यू भी हम रखे, तो टी की जगह पहले टी रख दो, सो टी माइनस टी की जगह 0 रख दो, तो से 0, हाँ सो फिर क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो अल्फा इंटू टी एंड अल्फा इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो उसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, देयरफॉर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू दिस, एंड देयरफॉर ये माइनस वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो वी विल गेट अवर फॉर्मूला दिस, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, हम पहले सपोज ये लिख देंगे कि भाई ds / dt इज इक्वल्स टू v, देयरफॉर d theta / dt इज इक्वल्स टू ओमेगा, फिर हम लिखेंगे a is equals to say dv by dt, so alpha is equals to d omega by dt, then यहाँ फिर हमें यहाँ काम करना है, acceleration पे काम करना है, जैसे यहाँ पे बोला है angular acceleration is uniform, okay, तो हम बोलेंगे angular acceleration is uniform, यहाँ से हमें काम करना है, so dt यहाँ चला गया, तो d omega is equals to alpha dt, then दोनों साइड integration लिखना है, बीच में integrating दोनों लिखना है, हाँ ऐसे लिखना है, integrating this equation और integrating both the side, तो इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट से 0 टू फाइनल और से ओमेगा नॉट टू ओमेगा तक, और यहाँ पर भी 0 टू फाइनल, देन डी ओमेगा का डिफरेंशिएशन होगा, ओमेगा लिमिट लगा दो, अल्फा कांस्टेंट है, डीटी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा टी, ओके, एंड से अगेन लिमिट लगा दो, तो लिमिट यहाँ पुट कर दी, यहाँ भी लिमिट पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया सिंपल लिमिट। ओके चलो, तो नेक्स्ट करते हैं हम, नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6.11। क्या बोल रहे हैं उसमें, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड, एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकेंड्स। ओके, सो क्या बोल रहे हैं कि एंगुलर स्पीड है, इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी है, से ओमेगा नॉट गिवन है 1200 आरपीएम, और ओमेगा हो जा रही है कितना है 3120 आरपीएम, और उसके लिए टाइम भी गिवन है दैट इज 16 सेकेंड्स।
अब बस इतना ही क्वेश्चंस है एंड नाउ दे आर आस्किंग से व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा फाइंड करो एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम सो वी हैव टू फाइंड द रिवॉल्यूशन रिवोल्यूशन से एन ऑल्सो वी हैव टू फाइंड ओके सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें तो पता ही है अल्फा का फॉर्मूला अभी तो देखा ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्यों डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर हमारा यूनिट देखो क्या गिवन है आरपीएम आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट 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 नॉट मीटर ओके रिवॉल्यूशन पर मिनट एंगुलर ये क्या है एंगुलर स्पीड है एंगुलर स्पीड मतलब ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं ओके तो गोल गोल घूम रहे हैं तो जैसे एक बार गोल घूम दिया तो वन रिवॉल्यूशन दो बार गोल घुमा ऐसे तो टू रिवॉल्यूशन तीन बार वन टू थ्री सो थ्री रिवॉल्यूशन वन टू थ्री फोर तो फोर रिवॉल्यूशन तो पर मिनट एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे थे 1200 रिवॉल्यूशन एक मिनट में और फिर टाइम के साथ क्या हुआ अभी जैसे गाड़ी है मोटर व्हील है ना तो क्या है बाइक है ऐसा समझो तो पहले तुम जा रहे थे स्लो स्पीड में जा रहे हो मतलब जैसे तुमने देखा होगा बाइक में ये डिजिटल मीटर में भी आता ही होगा बट जो हमारे पहले के मीटर आते थे उसमें यहां पर तुम्हारी स्पीड दिखाई जाती है कौन सी किलोमीटर पर आवर में किलोमीटर पर आवर वाला ये यहाँ पर डिस्क होता है मीटर होता है तो जिसे हम वो क्या बोलते थे स्पीड मेजर करने के लिए एट में आता था ओके स्पीड मेजर करने के लिए यूज करते थे हम से रोटामीटर और वन मीटर वाज देयर मुझे तो याद ही था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है ओके नॉट रोटामीटर बट से अभी याद आएगा तो बताऊंगा अभी याद आएगा सो दैट इज स्पीडोमीटर तो हम जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं लेकिन हमारी बुक में भी वो वर्ड था टेक्निकल टर्म उसके लिए ओके वैसे स्पीडोमीटर बोल सकते हैं ओके सो ये जो मीटर है उसके बाजू में ही दूसरा मीटर है जहां पर लिखा हुआ था आरपीएम इंटू से 1000 ओके तो मतलब कि अगर वहां पे तुम 4 पे जा रहे हो तो 4 इंटू 1000 कितना हो गया 4000 ओके तो 4000 आरपीएम फिर और फास्ट जा रहे हो तो वो 5 पे है तो फिर से 5 into 1000 दैट इज 5000 आरपीएम मतलब एक मिनट में ये व्हील है वो 5000 बार घूम रहा है ऐसे हाँ इतना फास्ट घूमता है हम गिनते नहीं है सोचो जस्ट कि हम साइकिल का पैडल भी ऐसे मारे ढूम ढूम तो यहां से यहां पहुंच गए तो दो बार घूम गया ओके तो सोचो कि हम एक किलोमीटर दूर जाए तो कितनी बार गोल गोल घूमेगा ओके सो स्पीड बढ़ रही है लेकिन ये रिवॉल्यूशन पर मिनट में है सो हमें रिवॉल्यूशन में नहीं चाहिए हमें तो एंगुलर मतलब एंगल की बात करनी है एंगल मतलब क्या से उसका हम एंगल को हम दो तरीके से ले सकते हैं एक तो एंगल जो हम लेते हैं डिग्री वाला ओके जैसे कि 180 डिग्री एंड ऐसे लेते हैं और फिर 180 डिग्री को हम पाई भी बोलते हैं ओके सो दैट इज रेडियन ओके सो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर रिवॉल्यूशन में तो बात नहीं करेंगे कि इतने रिवॉल्यूशन हुए हैं क्योंकि एंगुलर स्पीड है तो एंगुलर स्पीड का जैसे हम लीनियर स्पीड बोलते थे मीटर पर सेकंड तो वैसे हम यहाँ क्या बोलेंगे रेडियन पर सेकंड मतलब कितना मीटर तुम आगे गए पर सेकंड तो कितना रेडियन तुम आगे गए पर सेकंड दैट इज रेडियन पर सेकंड जब गोल घूम रहे हैं तब ओके सो कितना रेडियन तुम आगे गए रेडियन मतलब क्या से पाई बाई टू रेडियन आगे गए मतलब 90 डिग्री आगे गए ऐसे ओके पाई बाई फोर रेडियन आगे गए मतलब 45 डिग्री आगे गए ओके अंडरस्टूड तो हमें रेडियन पर सेकंड में सबसे पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा तो देखो ये है कितना रिवॉल्यूशन पर मिनट है तो सोचो कि से 2 पाई रेडियन मतलब रेडियन कितना होगा से एक रिवॉल्यूशन हो गया ऐसे एक रिवॉल्यूशन हो गया तो कितना रेडियन होगा 2 पाई होगा ओके क्योंकि पूरा एक होता है तो वो 2 पाई रेडियन होता है सो हम यहां लिख सकते हैं मतलब रफ में क्या और से फेयर में लिखना हो तो ऐसे तुम लिख सकते हो कि से फॉर वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन सो फॉर से 1200 रिवॉल्यूशन हाउ मेनी रेडियंस सो यू कैन फाइंड से 1200 इनटू से 2 पाई ओके ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ये यहाँ जो था वो तो 1 है कोई बात नहीं सो ये कितना हो गया से 12 टू जा
24 पाई। अब ये इसका यूनिट क्या बन गया, अब रिवॉल्यूशन से रेडियन। ओके, पहले रिवॉल्यूशन था लेकिन अब यहाँ पे रिवॉल्यूशन तो इतना रेडियन, तो इतने रिवॉल्यूशन कितने रेडियन, तो इतने रेडियन हो गए, समझ में आया। लेकिन ये रेडियन है, लेकिन पर क्या है, यहाँ पर मिनिट है। ओके, रेडियन पर क्या है, मिनट। तो अभी हमें तो सेकंड में चाहिए, जैसे मीटर पर सेकंड वैसे रेडियन पर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, 2400 पाई, ये मिनट है, तो एक मिनट बराबर कितना सेकंड, 60। तो यहाँ नीचे वन मिनट है, तो वन मिनट की जगह मैं लिख देता हूँ 60, और अब मिनट की जगह मैं लिख दूंगा से सेकंड। सो कट हो जाएगा, 00 कट हो गया, और से 6 4 20, सो एक्चुअली कितना आ गया, से 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, वैसे ही इसका ओमेगा को अभी कन्वर्जन करना पड़ेगा, ये किसका है, ओमेगा नॉट का है, तो ओमेगा भी करेंगे, तो क्या करेंगे, से 3120 है। अब तो पता चल गया, जो है उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लो, तो कुछ आंसर आएगा, डिवाइड बाय 60 कर लो। हाँ बोलो, पाई की वैल्यू अभी नहीं लिख रहे हैं हम, लास्ट में लिखेंगे, सो देट आवर कैलकुलेशन विल बी इजी। ओके, सिर्फ पाई पाई लिखते जाएंगे लाइक दैट, और मे बी लास्ट में भी तुम ना लिखो, अगर आंसर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लास्ट में भी ना लिखो तो चलेगा। आई थिंक ये न्यूमेरिकल ने ऐसा ही किया है, ये देखो लास्ट में भी पाई की वैल्यू नहीं निकाली है, क्योंकि हमें एक्चुअली ढूंढना क्या है, हमें एक्चुअली ढूंढना है ऐसे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो वहां तो ऑलरेडी पाई कट ही हो जा रहा है। ओके, तो पूरे न्यूमेरिकल में पाई की वैल्यू ही नहीं डाली है। सो हमें पहले तो अल्फा ढूंढना है, सो अल्फा हम ढूंढते हैं, और 30 कर देंगे, 2 से पाई को 30 कर देंगे, और ऊपर 30 से कट जाएगा पूरा। हां, सो यहां पर हम से 2 से यहां 30 से काट देंगे, एंड से ये 0 और ये 0 कट गया, और 312 मतलब 4 × 6 तो कट हो जाएगा। सो से 3 यहां पे कट होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 1 3 1 0 4 आएगा, सो 104, सो 104 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 104 पाई। ओके, तो ये देखो यहाँ पर भी उन्होंने ऐसे करके गिना हुआ ही है, जो हमने गिना वैसे ही मेथड सेम उन्होंने यूज किया है, बट हमें स्टेप्स ऐसे दिखाना पड़ेगा। ओके, कि ऐसे किया है लाइक दैट। तो ये ओमेगा नॉट डिराइव किया, फिर हमने ओमेगा डिराइव किया, अब तो हमारे पास फॉर्मूला है कि भाई ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा जो है वो कितना है, 104 पाई माइनस ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट कितना है हमारा, 40 पाई डिवाइडेड बाय टी, टी है हमारा 16 सेकंड्स, दैट विल बी इक्वल्स टू से अल्फा। सो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, से 104 में से 40 चला जाएगा, तो 64। तो 64 पाई डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू से अल्फा, तो 64 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई रेडियन पर अल्फा है, दैट मींस सेकंड का स्क्वायर। ओके, सो 4 पाई रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर, जैसे एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो ये हमने एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल दिया है, दैट इज, अरे यार तो ये हमने एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला, दिस एंगुलर एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया, अल्फा इज इक्वल्स टू 4 पाई, देन जो ढूंढना था वो ढूंढ लिया हमने। नाउ अब बोल रहे हैं वो क्या, फिर रिवॉल्यूशन फाइंड करो कि कितने रिवॉल्यूशन घूमा है, व्हील्स कितने रिवॉल्यूशन घुमा है। सो हमें रिवॉल्यूशन फाइंड करना हो तो हम डायरेक्टली देखो यहाँ पर से थीटा यूज कर सकते हैं, थीटा इन द सेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, वैसे ही उसका हम यहाँ लगाएंगे, हमारे पास लीनियर में फॉर्मूला है एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो ऐसे ही फिर लगा दो एनालॉग। सो एस मतलब थीटा, यू मतलब ओमेगा, ओके ओमेगा नॉट, देन टी का टी ही है, देन हाफ अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा मेरे पास है, टी भी मेरे पास है, टी यहाँ पर भी है और ओमेगा भी है, तो थीटा मिल जाएगा। ओके, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो तो हमारा ये आ जाएगा आंसर, पुट यहाँ पर देखो बुक में है तो हम इसमें डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, ओमेगा नॉट हमारा 40 बाय आ गया है, टी की वैल्यू 16 सेकंड गिवन है, प्लस हाफ, हाफ भी हमारे पास है, देन अल्फा 4 पाई की वैल्यू हमने, अल्फा इज इक्वल्स टू 4 पाई हम लेके आए हैं,
देन टी स्क्वायर, तो टी हमारा 16 है, 16 का स्क्वायर कर दो, वी विल गेट आंसर बाय सॉल्विंग दिस 1152 पाई रेडियन। तो थीटा आया है 1152 पाई रेडियन, मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी बार घुमा। तो हम बोल रहे हैं कि टोटल कितना घुमा है, 11 मतलब एक बार आधा घुमा ना, जैसे ऐसे है, यहां से यहां गया तो पाई है, तो ये कितना हो गया 1 पाई, फिर यहां से नीचे से वापस यहां आ गया तो कितना हो गया 2 पाई, फिर वहां से वापस यहां आया तो 3 पाई, फिर 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई, वैसे करके कितने पाई घूम रहा है ये 1152 पाई घूम रहा है। तो कितने रिवोल्यूशन होंगे अभी बताया, जैसे मैंने बोला कि अगर 10 पाई घूम रहा है तो कितने रिवोल्यूशन हुए, तो 1 पाई एंड 2 पाई, 3 4, तो 2 बार हो गया गोल, देखो 1 2 पाई हो गया, 4 पाई 2 बार हुआ, 6 पाई 3 बार हुआ, 8 पाई 4 बार हुआ, 10 पाई 5 बार हुआ। तो जैसे 10 पाई है तो 5 बार, तो इतने पाई है तो कितनी बार, तो वो गिन लेना है गया हमें कि भाई हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं कि इफ से 2 पाई इज देयर देन रिवॉल्यूशन, से इफ 2 पाई रेडियन इज देयर देन रिवॉल्यूशन कितने हैं 1 रिवॉल्यूशन, 2 पाई रेडियन का 1 रिवॉल्यूशन। अभी जो लगाया था उससे उल्टा, पहले क्या लगाया 1 रिवॉल्यूशन का 2 पाई रेडियन, तो इतने रिवॉल्यूशन पर मिनट के कितने रेडियन, क्योंकि हमें रेडियन में आंसर चाहिए था, अब हमें किस में आंसर चाहिए, रिवॉल्यूशन में आंसर चाहिए, तो हम बोलेंगे 2 पाई रेडियन का 1 रिवॉल्यूशन है, सो जितना हमारा आंसर है 1152 पाई रेडियन के कितने रिवॉल्यूशन, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 1152 पाई इनटू 1 होल डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो पाई पाई यहां पे कट हो जा रहा है, देन यहां पर 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 1152 है, सो इट विल 576, सो 576 ई रिवॉल्यूशन वो घूमेगा। सिंपल ओके, तो क्या किया हमने, सिंपली फॉर्मूला का यूज किया है और कुछ भी नहीं किया, पहले इसके पहले न्यूमेरिकल में फॉर्मूला को डिराइव किया ओके अब वही फॉर्मूला का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व किया। लेकिन अगर मुझे पहले से ही ओमेगा और ओमेगा नॉट की वैल्यू रेडियन पर सेकेंड में गिवन होती तो मेरा काम इजी हो जाता, लेकिन वैसे गिवन नहीं है तो थोड़ा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो भाई रिवॉल्यूशन पर मिनट है, उसको पहले तो मुझे रेडियन पर मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और रेडियन पर मिनट का रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो मिल गया, वैल्यू पुट करो अल्फा मिल जाएगा, और अल्फा भी मिल गया तो फिर उन्होंने रिवॉल्यूशन बोला है, रिवॉल्यूशन मतलब तुम गोल गोल कितना घूम रहे हो, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हो वो तो बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया एस इज इक्वल टू यूटी, देखो लीनियर का याद हो तो उसी का एनालॉग बना देना है ओके तो डायरेक्टली तुम नया याद रखो तो भी चलेगा, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो वैसे ही एस इज इक्वल टू थीटा, यू इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, टी इज इक्वल टू टी प्लस हाफ इज इक्वल टू हाफ, ए मतलब अल्फा एंड टी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, दैट्स इट। फॉर्मूला लिखा तो वैल्यू पुट की, थीटा का आंसर आ गया, थीटा का आंसर आ गया पर्टिकुलर रेडियन, तो हम बोलेंगे कि भाई 2 पाई रेडियन में 1 रिवॉल्यूशन हो रहा है तो इतने रेडियन में कितने रिवॉल्यूशन हुए, दैट्स इट खत्म ओके। सो ये हमारा न्यूमेरिकल था, एंड देन से मे बी द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द चैप्टर, क्योंकि बुक में बहुत सारा रिड्यूस्ड हो गया है ओके। सो ये हमने कौन सा किया, लास्ट ही है ना, हमने किया 11 ओके, सो इसका 15th नंबर ओके। सो नाउ वी विल डू द अगेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था वो इसके बाद वाला था बट वो रिड्यूस हो गया है, सो फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है, निकल गया है, कट हो गया, डिलीट हो गया है ओके। दैट्स व्हाई हमारी बुक में 16 न्यूमेरिकल्स हैं और यहाँ पे 12 न्यूमेरिकल्स ही है, तो 9 तक तो कुछ नहीं है, 1 to 9 न्यूमेरिकल हमने सारे किए, उसके बाद सब डिलीटेड आया है, तो इसीलिए हमारे 4 न्यूमेरिकल कट हो गए, तो हमारे सिर्फ ये लास्ट न्यूमेरिकल बाकी है, तो करते हैं चलो। क्या बोल रहे हैं, अ कॉर्ड ऑफ से नेग्लिजिबल मास, यहाँ पर कुछ भी लोगों ने किया है नहीं, लोगों ने ऐसा कुछ भी किया नहीं है, तो हमें सिर्फ हमारा जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली ही सेम है ना सर, मतलब में चेंजेस, यस ओके, सो चेंजेस हमारी बुक जैसा ही है, इसमें तो कुछ चेंज नहीं है, अदरवाइज कहीं कहीं जगह पर वैल्यूज तो मेन देख लेनी है, क्योंकि उन्होंने कहीं कहीं जगह पर वैल्यूज चेंज कर दी है,
यहाँ पर तो सेम ही है. ओके तो क्या बोल रहे हैं देखो, अ कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास, तो मतलब एक कॉर्ड लेनी है जिसका मास नेग्लिजिबल है, हम उसको गिनने ही नहीं वाले, इज वाउंड राउंड द रिंग ऑफ अ फ्लाईव्हील. तो एक फ्लाईव्हील है गोल, ओके फ्लाईव्हील जो ऐसे घूमता रहेगा, जैसे कि एक प्लेट है, ओके तो प्लेट ऐसे गोल 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 घूमती रहती है, वो जो चक्केरी नहीं होती है गोल 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 घूमती है, वैसा फ्लाईव्हील है जो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है. ओके सो फ्लाईव्हील लेकिन गोल गोल घूम रहा है, लेकिन उसके ऊपर क्या बांधा हुआ है हमने, एक रोप और से थ्रेड, और हम यहाँ पे कॉर्ड बोला है. ओके सो वो बांध दिया है, मतलब कि ऐसा समझो कि पानी ना गिरे, अच्छा नहीं गिरेगा, देखो ऐसा फ्लाईव्हील है. ओके और ये हमारी कॉर्ड है, तो कॉर्ड हमने ऐसे करके गोल 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 बांध दिए है, ऐसे करके कॉर्ड बांध दिए, हाँ वैसे. ओके तो ऐसे बांध दिए है. अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये कॉर्ड को खींचने वाला हूँ, तो जैसे ये खींचूंगा तो ये गोल गोल घूमेगा, ये खींचेंगे तो ये गोल गोल घूमेगा, समझ में आ रहा है. ओके सो ये हमारा फ्लाईव्हील है और ये हमने कॉर्ड बांध दी है. ओके अब यहाँ से ऐसे नीचे खींचेंगे तो ये ऐसे गोल घूमेगा, ये मैं नीचे से खींच रहा हूँ तो ये पुली में होता है, यस एग्जैक्टली वैसे. सो क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम ऐसे कॉर्ड खींच रहे हो और फ्लाईव्हील को घुमा रहे हो. ओके हाँ चलो. सो ओके सो वही बोल रहे हैं कि फ्लाईव्हील पे कॉर्ड बांधा हुआ है और फ्लाईव्हील ऑफ मास, फ्लाईव्हील का मास है कितना, 20 kg. सो मास ऑफ द फ्लाईव्हील इज 20 kg. ओके एंड रेडियस, फ्लाईव्हील का रेडियस आर है उसका कितना, 20 cm. ओके जस्ट लाइक दिस, देखो यहाँ पर भी फिगर में हमें पता है, तो ये रोप है, ये कोर को हम मारे खींचेंगे. ओके सो अ स्टेडी पुल ऑफ 25 N इज अप्लाइड ऑन द कॉर्ड, मतलब कि ये कॉर्ड पे हम स्टेडी पुल, पुल मतलब खींचना, तो हम कॉर्ड को ऐसे खींच रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स कितना लगा रहे हैं, 25 N. तो भाई 25 N का हम फोर्स लगा रहे हैं ऑन द कॉर्ड एज शोन इन द फिगर. द फ्लाईव्हील इज माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सेल विथ फ्रिक्शनलेस बेयरिंग्स, तो भाई ऐसे एक्सेल है हॉरिजॉन्टल और उसके ऊपर ऐसे फ्लाईव्हील है, फ्रिक्शनलेस है, मतलब कि तुम खींचोगे तो ये घूमने लगेगा, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, फ्रिक्शनलेस बोला है, अदरवाइज फ्रिक्शनलेस होगा नहीं, लेकिन इजीनेस के लिए हमें फ्रिक्शनलेस दे दिया गया है. ओके करना क्या है, करना है कॉम्प्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील, तो एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा फाइंड करो, देन नेक्स्ट नेक्स्ट बाद में देखेंगे, पहले अल्फा फाइंड करते हैं. तो हमें पता है क्या कि जो हमारा टॉर्क है दैट इज इक्वल्स टू आई अल्फा. ओके टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या है, आई अल्फा. क्यों मैंने टॉर्क पे ही डायरेक्टली क्यों गया, क्योंकि मुझे मेरे पास फोर्स है, मेरे पास फोर्स है, मेरे पास डिस्टेंस है आर. ओके सो फोर्स है डिस्टेंस है तो उसका एनालॉग यहाँ पे मिल जाएगा मुझे. सो पहले तो मैं क्या गया यहाँ पर, क्यों डायरेक्ट, इन्होंने तो बोल दिया है लेकिन हमें याद आना चाहिए कि भाई टॉर्क क्यों लिया, क्योंकि भाई फोर्स है, टॉर्क किसका एनालॉग है, फोर्स का. ओके सो मैंने पहले टॉर्क, तो फोर्स गिवन है तो हमने टॉर्क लिया, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. अब टॉर्क का फॉर्मूला, सो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास है एफ इंटू आर, हमने ऑलरेडी देख लिया है. ओके सो टॉर्क का फॉर्मूला है हमारा एफ इंटू आर. नाउ एफ इज गिवन टू अस एंड आर इज ऑल्सो गिवन टू अस. ओके बट ध्यान रहे ये सेंटीमीटर में है तो उसका कन्वर्जन यहीं पे कर दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. 0.2 meter. ओके 0.20 लिखो या 0.2 लिखो सेम ही है. ओके सो 0.20 लिख दो, यहाँ पे 20 है तो 0.20 meter. ओके सो एफ और आर, तो हमें टॉर्क मिल जाएगा, टॉर्क मिल गया. ओके सो टॉर्क यहाँ पर हमें मिल गया. नाउ अगर टॉर्क मिल गया तो और क्या चाहिए मुझे, आई चाहिए. अगर आई मिल गया तो मुझे मेरा अल्फा मिल जाएगा. ओके सो आई चाहिए, तो आई जैसे कल हमने टेबल देखा था, तो जैसे एक रिंग था. ओके एक पहली वाली रिंग थी, रिंग थी वो, तो सिर्फ रिंग बैंगल जैसा. ओके ये तो बैंगल जैसा है नहीं, ये तो सॉलिड है, फ्लाईव्हील पूरा सॉलिड है. ओके तो प्लेट जैसा है. ओके प्लेट पूरी, जो प्लेट थी ये वाला है, देखो ये है, ये समझ में आ रहा है, ऐसे है, समझ में आ रहा है, सर्कुलर डिस्क टाइप,
यस ओके सो हमने फ्लाईव्हील कंसिडर किया. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ फ्लाईव्हील अबाउट इट्स एक्सिस, तो ये वो याद रखा हुआ हो तो यहाँ यूज होगा उसका, दैट इज एम आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू. ओके सो देखो यहां पर हमने कल देखा ही था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. कैसे किया था हमने ये फाइंड करने के लिए, देखो ये तो डायरेक्टली एम आर स्क्वायर आया था, फिर इसके लिए हमने लेंथ ली थी और इसके लिए क्या लिया था, एरिया लिया था. तो एरिया कैसे लिया था, देखो ये एम आर स्क्वायर बाय 2 इसीलिए मैंने करवाया कि याद ना रहे तो तुम एटलीस्ट डिराइव कर सको, लेकिन बाकी सब तो जैसे कि हम मैंने ये नहीं करवाया. ओके तो ये तुम्हें मतलब वैल्यू तो सारी ही याद रहनी चाहिए क्योंकि एक न्यूमेरिकल है जिसमें ये यूज होता था लेकिन वो डिलीट कर दिया है. लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल है हमारा जो हमारी बुक में तो है उसमें पर्टिकुलरली इसका भी यूज करना पड़ेगा, उसमें पर्टिकुलरली से ये रिंग का भी यूज करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट और स्फीयर है और सिलेंडर है ये एम आर स्क्वायर बाय 2 उसका भी यूज. तो ये तीनों का यूज करके हमें वो न्यूमेरिकल लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना था, दैट्स व्हाई इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज डिलीटेड व्हाट एवर. बट ये डिलीट नहीं किया हुआ है, ये डिलीट नहीं किया गया है, तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं क्योंकि टेबल डिलीट नहीं किया है, तो मतलब ये वैल्यू तो है, तो वैल्यू है तो जैसे अभी हम ये वैल्यू का यूज कर रहे हैं न्यूमेरिकल में वैसे ही वैल्यू का यूज करके कोई भी न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है. ओके सो यहाँ पर क्या है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो याद आ जाए तो हमने क्या किया था, एरिया लिया था, तो इसे पहले अगर ऊपर टोटल मास और फिर डिवाइडेड बाई से एरिया, तो एरिया क्या लिया था हमने, पाई आर स्क्वायर लिया था, राइट, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, और यहाँ पे छोटा सा मास दैट इज dl एंड छोटा सा एरिया, तो छोटा सा एरिया लिया था हमने 2 पाई x dx, राइट ओके सो 2 पाई x dx ये हमने छोटा सा एरिया लिया था. ओके एंड इनटू अगर हमें करेंगे, ओके इनटू हमें सपोज रेडियस करना पड़ेगा क्योंकि हमें एरिया लेना है, तो ये 2 पाई r तो क्या हो गया, 2 पाई r इज नथिंग बट सरकमफेरेंस, लेकिन फिर dx भी करना पड़ेगा, सो से हम यहाँ पर और मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे, से l कर देंगे. ओके l और से रेडियस कर लेंगे से r, तो रेडियस कर लो या फिर x ही कर लो, तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, से x स्क्वायर, मतलब हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2. ओके ये हमने कल इंटीग्रेट करके डिराइव किया था. सो हम बहुत जा रहा है पावर की, थोड़ा कम कर दे. सो m की वैल्यू है हमारी क्या, m r, i की वैल्यू है हमारी क्या, एम आर स्क्वायर बाई 2. ओके सो उससे हमें क्या मिल जाएगा, i मिल जाएगा. ओके सो i का फॉर्मूला हमारा आ गया है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. तो हमारे पास m है r है तो i की वैल्यू हमें मिल जाएगी. m की वैल्यू रखो, r की वैल्यू रखो, डिवाइड बाई 2, सो वी आर गेटिंग अवर i. तो देखो हमें यहाँ पे आई भी मिल गया, हमें टॉर्क भी मिल गया, तो अब अल्फा मिल जाएगा. ओके सो अल्फा फाइंड कर लिया हमने, दैट इज कमिंग से 12.5 सेकंड स्क्वायर. मतलब क्यों यहाँ पे सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, हाँ मतलब सेकंड पर सेकंड स्क्वायर, मतलब नीचे है. ओके तो एंगुलर एक्सेलरेशन हम कौन से फॉर्मूला से लाए, यहां से लाए. तो अब यहाँ पर क्या है, टॉर्क है, तो टॉर्क का यूनिट क्या हो जाएगा, से न्यूटन इंटू मीटर. सो टॉर्क का यूनिट होगा न्यूटन इंटू मीटर, और आई का यूनिट क्या है, आई का यूनिट है केजी पर मीटर स्क्वायर. तो एक मीटर तो कट हो गया, सो न्यूटन पर मीटर है. ओके न्यूटन पर मीटर है, सो अगेन न्यूटन है, तो न्यूटन के बाद तुम उसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, न्यूटन है तो एन न्यूटन मतलब फोर्स, तो फोर्स को हम एम ए लिख सकते हैं, एम ए मतलब क्या, एम मतलब से के जी, और ए मतलब क्या, मीटर पर मीटर, और से रेडियन बोल दो, तो से रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर.
एम ए लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर वापस के जी आ जाएगा। ओके सो ये के जी कट हो गया, तो वो आ गया हमारा से रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर हम कब रेडियन पर सेकेंड लिख सकते हैं, जब तुम न्यूटन को वैसे लिखो तो। ओके सो अल्फा है तो यस यू कैन राइट रेडियन पर से सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है। बुक में देखो रेडियन नहीं लिखा हुआ है, हमारी बुक में लिखा हुआ है, हमारी बुक में भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ पर सेकेंड स्क्वायर ही लिखा हुआ है। दिखाई दे रहा है 12.5 जो आंसर है हमारा ये। ओके सो यू कैन राइट से रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट तो वही होता है। ओके और तुम यहां से भी देख सकते हो, सब कुछ कट हो गया तो सेकेंड स्क्वायर, तो तुम ये लिखोगे तो भी गलत नहीं है, और रेडियन पर सेकेंड लिखोगे तो और अच्छा है। ओके सो हमारा अल्फा मिल गया। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं क्या है, फाइंड द वर्क डन बाय द पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ कॉर्ड इज अनवाउंड। ओके मतलब क्या बोल रहे हैं कि वर्क डन फाइंड करो, जब हम पुल कर रहे हैं मतलब फोर्स लगा रहे हैं मतलब वर्क डन हो सकता है, तो ये वर्क कितना लगा रहे हो जब 2 मीटर ऑफ कॉर्ड इज अनवाउंड, मतलब तुम कितनी खींच ली तुमने कॉर्ड, 2 मीटर खींच ली, मतलब पहले 1 मीटर खींची और वापस खींची तो 2 मीटर तुमने खींच ली, 2 मीटर खींच ली तो उसके लिए फोर्स लगा होगा, सो टोटल कितना वर्क लगा है वो पूछ रहे हैं। सो वर्क डन कितना है, दैट इज द फोर्स इनटू डिस्टेंस, सिंपल वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन फोर्स 25 न्यूटन एंड डिस्टेंस 2 मीटर खींचा है तो F into D, तो कितना हो जाएगा हमारा सिंपली 50 जूल। डन, समझ में आ गया। ओके देन थर्ड, फाइंड ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट, तो हमें क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। एज्यूम दैट द व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, तो अगर रेस्ट पे से स्टार्ट हो रहा है तो हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। सिंपली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर लीनियर का था तो रोटेशनल का हो जाएगा हाफ एम की जगह आई और वी स्क्वायर की जगह ओमेगा, सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन हमारे पास आई है, आई हमने अभी ढूंढ लिया है एम आर स्क्वायर बाय 2 से। ओके ओमेगा नहीं है तो ओमेगा हमें फाइंड करना पड़ेगा, हमें बोला गया है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट तो ओमेगा का फॉर्मूला हमारे पास है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ए अल्फा टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके सो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो से रेस्ट पे से स्टार्ट हो रहा है, जैसे हमारा प्रीवियस न्यूमेरिकल था उसमें बोला था कि भाई ओमेगा नॉट है 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट और वो है 3120 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो मतलब इनिशियल भी गिवन था फाइनल भी गिवन था, लेकिन यहाँ बोला है इनिशियल मूवमेंट में नहीं है, रेस्ट पे से तुम स्टार्ट करो, दैट्स व्हाई जीरो। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा टी, अल्फा तुमने ढूंढ लिया है। ओके सो डायरेक्टली हम वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा इंटू से, यहाँ पे इन्होंने दूसरा फॉर्मूला यूज किया है, नहीं उन्होंने दूसरा फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा, अल्फा इंटू टी, लेकिन टी नहीं है ना हमारे पास, इसीलिए उन्होंने दूसरा फॉर्मूला यूज किया है। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके क्योंकि टी नहीं है ना हमारे पास इसलिए यूज नहीं कर सकते, तो यू स्क्वायर तो जीरो है तो इसको कट कर दो, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a इंटू एस, सो 2a, a मतलब अल्फा, अल्फा है हमारे पास, s, s मतलब थीटा, s डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा से थीटा, सो थीटा हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, क्योंकि हमें पता है कि हम कितना खींच रहे हैं। ओके सो थीटा वी कैन फाइंड, तो देखो थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द अनवाउंड स्ट्रिंग, मतलब कि कितनी तुम खींच रहे हो वो, इनटू द रेडियस ऑफ द व्हील। ओके क्योंकि रेडियस जितनी होगी, जस्ट इमेजिन एक छोटा सा यहाँ पर है, ओके मतलब फ्लाई व्हील, ये छोटा सा फ्लाई व्हील है और यहाँ पे ऐसे बड़ा सा फ्लाई व्हील है, सोचो ये छोटा सा फ्लाई व्हील और यहाँ पे बड़ा सा फ्लाई व्हील, छोटे से फ्लाई व्हील में 2 मीटर और कॉर्ड तुमने बांध दिया है, और बड़े के बड़े फ्लाई व्हील पर भी तुमने 2 मीटर कॉर्ड बांधा हुआ है, अब तुम ये पूरी की पूरी 2 मीटर कॉर्ड निकाल दोगे, समझ में आया, तो वो घूमेगा, और यहां पर भी तुम पूरी की पूरी 2 मीटर कॉर्ड निकाल दोगे वो भी घूमेगा, बताओ कौन सा ज्यादा रिवोल्यूशन घूमेगा, बड़ा वाला फ्लाई व्हील या छोटा वाला फ्लाई व्हील, छोटा वाला फ्लाई व्हील ऑब्वियसली। ओके क्यों, क्योंकि छोटे वाले फ्लाई एंगल का एंगल छोटा, मतलब रेडियस छोटी है, एंगल तो 360 ही होगा बट रेडियस छोटी है ना, ये छोटा वाला फ्लाई व्हील है तो रेडियस क्या हो गई,
छोटी है ओके, और फ्लाईव्हील बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, रेडियस बड़ी हो जाएगी, समझ में आया? तो उसी हिसाब से हम गिन सकते हैं कि थीटा इज नथिंग बट जितना हम निकाल रहे हैं वो ओके डिवाइडेड बाय उसकी रेडियस। सो याद रखना क्योंकि यहाँ आके फिर फंस मत जाना, थीटा इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग अनवाउंड, जितनी तुमने अनवाउंड की दैट इज 2 मीटर डिवाइडेड बाय दी रेडियस ओके। और से ये भी अगर तुम्हें याद ना रहे तो एक हमारा जो हम बचपन में यूज करते थे वो फॉर्मूला भी है कि एंगल हम कैसे लिखते थे, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस ऐसे लिखते थे ओके। और जनरली हम ऐसे भी लिखते थे आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस ओके, कि भाई ऐसे सर्कल है, ऐसे सर्कल तो मुझे ये एंगल सपोज यहाँ ये आर्क जो है ये एंगल मुझे पता है कितना है थीटा, लेकिन मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, तो ये क्या है, ये तो आर्क है ओके। तो आर्क लेंथ कैसे मिलेगी, तो आर्क लेंथ विल बी से थीटा इनटू ये जो रेडियस होगी वो ओके। तो ये रेडियस यहाँ पर है, फिर थीटा घुमाओ तो ये घुमाया 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 तो मुझे इतना मिल जाएगा, डन। तो उसी फॉर्मूला से देखो एंगल मतलब क्या, थीटा, आर्क, आर्क मतलब कितना तुम मूव कर रहे हो, तो कितना मूव कर रहे हो भाई, जितना तुम खींचोगे उतना मूव करेगा, तुम 2 मीटर खींचा तो पूरा मूव कर जाएगा, तुमने 0.2 मीटर खींचा तो थोड़ा ही मूव करेगा ओके, जितना खींचोगे उतना, तो कितना खींच रहे हैं हम, 2 मीटर खींच रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर 2 मीटर जो हमारी लेंथ ऑफ अनवाउंड स्ट्रिंग है और नीचे रेडियस तो है जो भी हमें गिवन ही है ओके। सो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा थीटा, तो थीटा का फॉर्मूला याद रखना ओके, और याद ना रहे तो इस फॉर्मूला से याद रखना ओके। हम तो गुजराती में भी याद करते थे कि इसे बोल जाता है एंगल को खूणो ओके, सो खूणो इज इक्वल्स टू चाप छेद में त्रिज्या, ऐसे बोलते हैं चाप, आर्क इन द सेंस गुजराती में उसको बोलते हैं चाप ओके। सो ये मैंने मतलब हम जैसे तुम कैसे अभी फॉर्मूला लर्न कर ले बाय हार्ट हो जाता है ओके, वैसे हमें गुजराती में बाय हार्ट हो गया, तो हमें ऐसे ही कि खूणो इज इक्वल टू चाप छेद में त्रिज्या, छेद में मतलब डिनोमिनेटर ऐसे, सो खूणो मीन्स चाप छेद में त्रिज्या, सो खूणो चाप दैट इज आर्क त्रिज्या इन द सेंस रेडियस, तो वैसे ही एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस ओके, ऐसे तुम याद रख लो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। अगर तुम्हें आर्क फाइंड करना है तो इसको ऊपर ले जाओ, एंगल फाइंड करना है तो यही रखो, रेडियस फाइंड करना है तो एंगल को नीचे ले आओ, जो करना है वो ओके। सो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, आर्क कितना है यहाँ पर भाई, 2 मीटर तुमने खींची तो 2 मीटर का आर्क हो गया ओके, और रेडियस गिवन है, सो उसके हिसाब से तुम्हें थीटा मिलेगा, थीटा मिलेगा तो हमारे वापस आ जाओ, तो थीटा मिलेगा तो यहाँ पर ये थीटा है और ये a मतलब अल्फा 2, तो वैल्यू पुट कर दो तो ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, देन ओमेगा स्क्वायर मिला, ओमेगा स्क्वायर मिल गया तो हमारा जो फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उसमें आई भी है और ओमेगा भी है, दोनों वैल्यू पुट कर दी तो हमारा काइनेटिक एनर्जी मिल गई 50 जूल, काइनेटिक एनर्जी मिल गई 50 जूल, वही फाइंड करनी थी, दैट्स इट, डन ओके। एंड लास्ट बोला है कंपेयर द आंसर टू पार्ट बी एंड सी, तो पार्ट बी है हमारा वर्क डन और पार्ट सी है हमारा काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन हमारा आया है 50 जूल और काइनेटिक एनर्जी भी हमारी आई है 50 जूल, मतलब कि जितना हमने वर्क डन किया, कैसे ये रोप को कॉर्ड को खींच के वर्क किया तो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आ गई किसमें, फ्लाई व्हील में ओके। मतलब जैसे ऐसा समझो कि कोई साइकिल है, रेस्ट पे है ओके, और मैंने यहाँ साइकिल को धक्का मारा, मतलब फोर्स दिया, तो जितना फोर्स दिया सारे का सारा एनर्जी क्या चला गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब वो रेस्ट पे थी अब वो मोशन में आ गई, तो सारा वर्क कन्वर्ट हो गया किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। हमें पता है सारा वर्क हमेशा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, There is always be friction. तो friction होगा ओके, यहाँ पर भी देखो हम रोप को ऐसे खींच रहे हैं, रोप को खींच रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं और उसकी वजह से ये मोशन में आ रहा है, तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होगा तो नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो हमारी रोप है और जो फ्लाईव्हील है उसके बीच में भी तो फ्रिक्शन लगेगा, और जो फ्लाईव्हील है और वो जो एक्सेल पे फ्लाईव्हील गड़ रहे हैं, एक्सेल इन द सेंस शाफ्ट, तो जो शाफ्ट पे यहाँ पे फ्लाईव्हील है, ऐसे शाफ्ट पे फ्लाईव्हील है,
तो वो घूमेगा तो वहां भी तो फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि ना तुम्हारा एक्सेल और से फ्लाईव्हील के बीच में कोई फ्रिक्शन है और ना ही तुम्हारा जो ये कॉर्ड है और फ्लाईव्हील है उसके बीच में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, और कॉर्ड है वो भी मास्कलेस गिवन है। मास्कलेस चीज हो तो क्या फ्रिक्शन लगेगा सोचो। अभी सपोज हम मास वाले हैं, ओके, तो हम चलेंगे तो हम पे फ्रिक्शन लगेगा। अभी एयर चल रही है, एयर फ्लो हो रही है, तो हम पे फ्रिक्शन लगेगा वो, और एयर पे भी फ्रिक्शन तो लगेगा, बट वो दोनों के कंपेयर करो एयर पे कितना फ्रिक्शन लगेगा, कितना मतलब कितना माइनर, इसलिए तो ऐसे बह जाती है, ओके, तो उसका मास कम है हमारी कंपेयर में, इसलिए अगेन वही फैट एंड थिन वाला केस। तो फैट वाला कम दौड़ पाएगा और थिन वाला ज्यादा दौड़ पाएगा, क्यों? क्योंकि एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे ज्यादा लग रहा है मास की वजह से, एट द सेम टाइम उसको फ्रिक्शन भी ज्यादा लगेगा क्योंकि वो मूव स्लोली कर रहा है, तो फ्रिक्शन भी ज्यादा लगने वाला है। समझ में आया? ओके, अंडरस्टूड। सो इसी वजह से मतलब एक्चुअल केस में ऐसा होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें एजम्पशन ही गिवन है कि भाई जो एक्सेल है उस वो फ्रिक्शनलेस बेयरिंग पे है, और जो रोप है वो भी कॉर्ड है वो भी मास्कलेस है, वहां भी फ्रिक्शन नहीं है, तो कहीं पर भी मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा नहीं है। दैट्स वाई जितना वर्क डन किया उतनी काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गई। सो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यही कंपेरिजन करनी है। ओके, दैट मीन्स नो एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ओके, सो द आंसर आर द सेम, द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द व्हील इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स, एंड देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, ड्यू टू एनीथिंग, क्योंकि 50 जूल इज इक्वल टू 50 जूल आया, मतलब फ्रिक्शन क्या कुछ भी ले लो तुम, लेकिन लॉस हो रहा नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, सो विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, डन। सो नाउ इन फिजिक्स, हाँ तो आज इतना रखते हैं, ये बंद कर दो।